प्लान नहीं कर रहे इसको, इस इवेंट को। हम मैरिज की इवेंट को तो प्लान कर रहे हैं एक महीने पहले कि कहाँ पे है ना, कौन सी जगह पे मैरिज होगी, कितने का खर्चा होगा, केटरर कौन होगा, कौन से लोग आएंगे, कौन से इनविटेशन कार्ड लिखे जा रहे हैं। लेकिन जो लड़की आ रही उसके साथ हमें क्या बातचीत करनी कि यार दो दिन का कुछ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट माने उनसे क्या अपेक्षाएँ हैं, उसको पता ही नहीं है। वो ऑन द गो लर्न कर रही है। तो कितने लोग बैठे हैं, सबके पैर पड़ना है, पता लगा दो चार कैसे पड़े, फिर पता नहीं, नहीं मैं तो तुम्हारी वो लगती हूँ, तुम्हारे मेरे पैर नहीं छूओगी, उसको तो पता ही नहीं है ना। तो किसको देना है, किसको नहीं देना है, क्या देना, वो उसी ऑन द गो कोई कोई कान में बताता रहता है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों को, अब वैसे बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे, बट मुझे लगता है जो संबंध है ना, जैसे मैं कह रहा था पति पत्नी में भी हम बहुत ओपनली बात नहीं कर रहे कि हमें कितने खर्चे करने हैं, नहीं करने हैं, क्या करना है, इलाज कराना है तो कहाँ कराना है, नहीं कराना। ये धीरे धीरे जब तक समानता का व्यवहार आएगा, तब मुझे लगता है शायद ऐसा समय आएगा कि अपन, वो आएगी तो अपन पहले ही बताएंगे, देखो ये है ऐसा ऐसा तुमसे अपेक्षा है, फिर उससे भी पूछेंगे तुम्हें स्वीकार है कि नहीं है। स्वीकार माने वो सात फेरों वाला नहीं, सात फेरों का होता ना एक स्वीकार, कि हाँ ये मुझे स्वीकार है, उसमें उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो हाँ बोलता रहता, पंडित अपना बोलता रहता है ना। तो इसमें माने एक अंडरस्टैंडिंग कि यार ऐसा तुमको ठीक लगता है, करो, करना चाहती हो कि नहीं ऐसा, नहीं तो तुम बोलो नहीं नहीं ये तो, ये वाला तो मैं कर सकती हूँ, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो मुझे लगता है ये मैच्योर होना है अभी हम लोगों को, परिवारों को, कि एक कोई अपने घर में आ रहा है ना, उसके साथ, बल्कि कंपनीज में तो तीन एक आध हफ्ते का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है ना, जनरल मैनेजर से मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे, उससे मिलाएंगे, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन सेट होते हैं धीरे धीरे कि ये वो तुम्हारा बॉस है, ये सबऑर्डिनेट है, ये कुलीग्स हैं। बट इसमें ऐसा एकदम ऑल ऑफ ए सडन, गुजरात में तो मुझे लगता है फिर भी अच्छा है, इसलिए अच्छा है गुजरात में कि मैरिज के पहले भी आना जाना शुरू हो जाता है ना। हमारे यहाँ तो यूपी में तो वो घर भी वहीं उसी दिन देखती है कि घर कितना बड़ा है, छोटा है, मतलब बाकी लोग देख जाते हैं उसको पता। हाँ, राजस्थान में सबसे ज़्यादा खतरनाक है, राजस्थान में है। तो मुझे लगता है मेन तो एक दूसरे की स्वीकृतियों का है, हमें रीति रिवाज से प्रॉब्लम नहीं है लोगों को, बट मुझे क्यों करना है ये समझ में नहीं आता, उसके पीछे का बेसिस नहीं मिल रहा है हमें, है ना, कि और फिर मुझे ही क्यों करना है। तो क्यों करना है ना, और उनके उनके बड़ी लोगों को भी नहीं पता है क्यों करना है। तो मुझे लगता है इस पर चर्चाएँ होनी चाहिए और खुल के। मतलब मेरा सवाल सिर्फ ये रीति रिवाज को रिलेटेड नहीं है, बट जब कुछ ऐसा रहता है कि लोग भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, परिवार के बाहर भी, समाज से, कि आप हमारे साथ, मतलब कुछ हद तक रहता है लोगों का एक्सपेक्टेशन कि कुछ फंक्शंस अटेंड करो, ये करो, जो भी है, ठीक है। और हमको लगता है कि उधर जाके बैठ के आने में क्या हमने कर लिया, उसको मिलना है, उससे बात करने, तो फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। तो मतलब उस एंगल में मैं सोच रही हूँ। हाँ, उसमें दो चीज़ों को देखना चाहिए। एक तो हमारे अपनों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, तो दूसरे क्या कहेंगे ये इतना मुद्दा नहीं रहता है। हमारे अपनों को ज़रूरत होती है कि तुम ऐसा करो, माने जैसे मैं चाहता हूँ कि नीता ऐसा करे, है ना, मेरी वाइफ, वो दूसरे क्या कर रहे हैं वो तो एक वो छोटा हिस्सा होता है एक्चुअली। हमारे अपनों में सहमति नहीं हो रही है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। प्रशांत को क्या लगता है और तुम्हें कुछ और लगता है, उसमें ट्यूनिंग होने की ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है जो बेसिकली जब हम दूसरे परिवार में जा रहे हैं ना, तो पति पत्नी में जो ट्यूनिंग होनी है ना, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ट्यूनिंग है। तो दूसरे क्या कहेंगे ये भी इम्पोर्टेंट है, बट हम खुल के बता तो पाएँ कि अच्छा, ऐसा भी नहीं कि हम वहाँ नहीं जा रहे तो घर में कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हूँ। तो है मामला वो स्वीकृति, क्यों करना ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और कई बार तो हम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि दूसरों के अनुसार चलना हमारी स्वीकृति में नहीं है। नहीं, कई बार हम मनमानी, हम अपने मन की करना चाहते हैं और मनमानी ही सुख है अभी बेसिकली, है ना। ऐसा नहीं कि वहां पे कोई तकलीफ होने वाली है, बट यार लगता नहीं, जब मेरा मन नहीं है तो फिर मैं क्यों जाऊं, है ना। तो इन सब मुद्दों पे बेसिकली परस्पर चर्चाएं होनी चाहिए। मुझे लगता है मेन इसमें यही, यदि अपन कोई स्पेसिफिक केस लेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा, कोई स्पेसिफिक केस लेंगे और स्पष्ट होगा।
स्पेसिफिक केस में वैशाली तो क्या अभी थोड़ी नई नई है ना, और अभी सब लोग बैठे हैं, थोड़ा ज्यादा स्पष्ट नहीं बोल पाएंगे, आप बोलो इस पे। हाँ, मैं दो उदाहरण इसमें बोलता हूँ व्यवहारिकता से ही। हाँ, तो ये बहुत बार मनमानी भी नहीं रहती। हाँ, जैसे अभी कोई शादी के रिसेप्शन में जाते हैं तो या तो फूल या तो वो लिफाफा लेके जाना पड़ता है, बराबर है। तो अभी मुझको ये अभी मैंने बंद कर दिया, फूल भी नहीं और वो इन्वेलप भी नहीं, क्योंकि वो दो दो तीन तीन करोड़ की शादी रहती, 3 करोड़ वो खर्च करता, मैं उसको क्या 3,000 रुपये दूँ वो लिफाफे। बिल्कुल ठीक। तो उसके वो काम में, तो मुझे ऐसा लगता कि वो वेस्ट ऑफ रिसोर्स है, वेस्ट ऑफ मनी है, उससे ज्यादा मैं किसी को दे दूँ जिसको काम में आएगा वो, एक चीज। दूसरी चीज, हमारे महाराष्ट्र में एक चलन है, गणपति रहता ना, गणपति का त्यौहार रहता 10 दिन, तो लोग वो गणपति बिठाते सब अपने अपने घर में और घर में खाना खाने बुलाते, तो वो हर घर में गणपति रहता, ऑलमोस्ट हर घर में, और सब लोग घर में खाना रखते, तो एक एक दिन में 4-4 जगह का इन्विटेशन रहता, आपके यहाँ भी आना, इनके यहाँ भी जाना, इनके यहाँ भी। मैं खाना तो एक ही जगह खाऊंगा, लेकिन आपने भी 400 लोगों को बुलाया तो आप 400 लोगों का बनाओगे, कर लिया आपने, ये भी 400 लोगों का बनाएंगे, वो भी 500 लोगों का बनाएंगे। अब मैं खाना तो एक ही जगह खाऊंगा लेकिन जाऊंगा 5 जगह, तो 4 घर का तो खाना वेस्ट हो गया। तो मुझे ये जिस दिन, और अच्छा, जो लोग जाते हैं वहाँ पे या जो लोगों को बुलाते हैं तो वो सब अपने घर के खा पी के सुखी है ना, उनके घर में खाना है ही, फिर ये क्यों बुलाते मुझे पता नहीं। फिर आधे लोगों को डायबिटीज रहता, आधे को बीपी रहता, वो रसगुल्ले उसने जो बनाए रहते वो खाता नहीं, तो आधे लोग डाइट पे रहते मोटे होने, तो वो सिर्फ जाते नमस्कार करते और खाना वाना कोई खाता नहीं, और वो पूरा खाना वेस्ट होता। अब जब खाना वो जब बांटने जाते मंदिर में और इधर उधर, वो भिखारी खाना लेते नहीं आजकल, उसको पहले वो बोलते हमको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कितना खाएगा, वो बोलते पैसे दो। तो अब वो मैंने गणपति के खानों में जाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगता कि ये दुरुपयोग है खाने का और रिसोर्स का, ये लोगों ने तुमने बुलाना नहीं चाहिए। बहुत लोगों को मैंने बोल के देखा कि तुम चाय कॉफ़ी रखो, या चाय रखो, कॉफ़ी रखो, या आइसक्रीम रखो, सिर्फ इतना खाना तामझाम क्यों होना, अब वो नहीं पड़ता लोगों, तो मैंने जाना बंद कर दिया। अब इसमें दोनों ये केसेस में, अब वो मेरी मनमानी तो है ऐसा मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है एक जगह कि वो तू 3 करोड़ खर्च कर रहा तो मेरे 3,000 तेरे काम के नहीं, एक चीज़। दूसरे केस में मुझे लगता कि दुरुपयोग हो रहा है तो मैं उसमें पार्टनर क्यों बनूं, तो मैं नहीं जाता खाना खाने, तो उसमें वो संबंध तो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा ही। वो मेरे को बुलाते हर साल, अच्छा एक दोस्त ने मेरे को फ़ोन किया कि वो खाना खाने आओ, और नहीं आया तो तेरा मेरे लिस्ट से नाम ख़त्म, बोले ज़िंदगी के लिस्ट से नाम ख़त्म। तो मैंने बोला नाम मत काट मेरा, तेरे वो खाने के बुलाने के लिस्ट में से नाम काट, ऐसा जीवन से नाम क्यों काट रहा मेरा। तो लोग यहाँ तक उसका बुरा मान जाते कि हमने बुला रहा ऐसे कैसे नहीं आ रहा तू। तो वो अच्छा, कुछ लोग पहले उनका डिसाइडेड है, अभी खड़े रहते कोई पार्टी का इनविटेशन दे रहा, अरे वो परसों है, तो वो दूसरा बोलता अभी वो नहीं आता, बोले उसको मत बुला। तो अब मेरा वो इमेज ऐसा बनते जा रहा है या बन गया है कि वो नहीं आता उसको मत बुलाओ। बहुत बढ़िया। तो इसमें देखो दो चीज़ों की देखने की बात है, जैसे आपने फाफा देना बंद किया, आरती बहन की सहमति है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है इसमें, इनकी तो है, हम दोनों एक दूसरे से तो कर लेते चर्चा। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, एक्चुअली अफेक्ट वहाँ होता है, इसमें इसलिए दिक्कत नहीं आ रही। यदि इनको लगेगा कि नहीं नहीं यार ऐसा नहीं, तुम्हें तो खाने पर जाना चाहिए, लिफाफा भी देना चाहिए, ठीक नहीं है, तब कन्फ्लिक्ट है। तब कन्फ्लिक्ट है ना, एक और उदाहरण, कन्फ्लिक्ट कैसा है कि कोई बीमार है हॉस्पिटल में एडमिट है, ये बोलती मिलने चल, मैं बोलता अपन कोई डॉक्टर नहीं है, उसको हॉस्पिटल में अपन मिलने जाके क्या करेंगे, उधर इन्फेक्शन फैलाने का ही काम है, उसको ठीक होने दे, घर में आने दे, फिर अपन जाएंगे। ये बोलती नहीं जाना पड़ता। जाना क्यों पड़ता, नॉट आउट ऑफ कंपल्शन या जाना चाहिए करके, जिस वक्त सबसे ज्यादा वो इंसान दुखी है, हो सकता है आपके एक दो पॉजिटिव वर्ड से उसको फर्क पड़े, वो ठीक होने के बाद तुम उसके घर जाओ, चाय पानी पियो, मतलब वो तो तब तक वो हालत में आ जाएगा कि नहीं नहीं आए हो तो अभी चाय पी के जाओ। मेरा ये कहना रहता है कि जिस वक्त उसको ज़्यादा ज़रूरत है उस वक्त जाओ, नहीं तो फिर नहीं गए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक तो चंगा तो होने वाला है वैसे भी। ये इसमें
उसमें आपको दिक्कत नहीं है उसको फॉलो करने में, गणपति वाले और इसमें दिक्कत इसमें है, इसमें आपको चर्चा करके कंक्लूड करना है, है ना। तो वो सिद्धांत क्या था, गलती में अनेक हैं, है ना, सही में एक होंगे तो आप निष्कर्ष निकाल के एक पे आ जाओगे। है ना। अरे मेरे साथ हो गया एक भैया, एक बार गलती से तुमने लिफाफे, खाली लिफाफे का बोला तो एक हमारे कॉलोनी में कोई थे, हमें तो ऐसा था कि हमने उसमें रखे हैं पैसे, वो बीच में कहाँ गायब हुए पता नहीं, बट बाद में मैसेज आया कि भैया खाली था लिफाफा। तो दूसरा मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो कम्युनिकेशन है ना, जैसे अपन गणपति पे नहीं जा रहे हैं, आपने उस दोस्त को बता दिया, ये फिर रिजॉल्व हो जाता है। उसको भी रीज़न यदि अपन क्यों बता दें ना कि देखो यार चार पांच जगह खराब होता है खाना, और तुम कहो तो मैं मिलने तो आऊँगा, राउंड मार दूंगा एक, है ना, हलवा करके आऊँगा, एक्चुअली ये गेट टुगेदर फंक्शन है ना, लेकिन खाना मेरा बनवाना नहीं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, भले ही तुम 400 को बोल के 200 का ही बनवाते होगे, उनको भी समझ में आ जाता धीरे धीरे कि कितने लोग खाते हैं, है ना, बट फिर भी हमारे नाम से मत बनवाना यार, मुझे लगता है मेरे नाम का ना वेस्ट हो, है ना। तो एक जितना हम एक्चुअली कम्युनिकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है इसमें, क्योंकि वही कह रहा था एक्सपेक्टेशन मिसमैच जो है ना, क्योंकि ये संपर्क है बेसिकली, है ना, या जहाँ पे रिलेशनशिप है, एक्सपेक्टेशन को हमें क्लियर करना है, जो हम कह रहे थे ना कि जो अपेक्षाएँ हैं, क्योंकि संबंध में तो अपेक्षाएँ निश्चित हैं, संपर्क के दायरे में अपेक्षाएं ऐच्छिक होती हैं, है ना। तो लेकिन उनको यदि आप नहीं बोलोगे हाँ बोल दोगे फिर नहीं जाओगे, तो वो इंतजार करता है कि अरे यार आपने बोला था आओगे भाई, हाँ नहीं नहीं मैं आऊँगा, खाना नहीं खाऊँगा क्योंकि चार जगह और खाना, वो जो कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्योंकि बाद में नहीं तो रिपरकशन ज़्यादा है। तो ये हो जाए, और मेन कम्युनिकेशन दोनों के बीच में होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें एक रूपता हो जाती है तो फिर मामला निपट जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जहाँ पर दो लोग यार मैरिज के पहले वो दोनों घर छोड़ के ही निकल लेते हैं, है ना, लव मैरिज में मम्मी पापा यहाँ भी तैयार नहीं, वहाँ भी तैयार नहीं, लेकिन इनका उत्साह थोड़ी कम होता है। तो मेन ट्यूनिंग जो होनी है वो मेन जो संबंध में है वो पति पत्नी के साथ होनी है, फिर माता पिता जो उसमें सर्किल में जुड़े हुए लोग हैं उनमें यदि एक रूपता हो जाती तो बात बन जाती है, वहाँ पर हम कम्युनिकेट कर लेंगे तो बात हो जाएगी। तो मेनली अपने को जो भी किसी के बचन में जाना है नहीं जाना है, क्यों तुम्हें लगता है क्यों नहीं जाना, उसको कम्युनिकेट करना है, अजय भैया फैमिली डिस्कशन होने चाहिए। हाँ जी वैशाली जी, जो बात नहीं कह पाई मैं कह देता हूँ। हाँ बताओ क्योंकि वो नहीं नहीं है। हाँ बराबर है। वो ऐसा होता है कि हस्बैंड और वाइफ को, मतलब वाइफ को अगर नहीं जाना रहा, वो हस्बैंड को तो बोल देती है कि अरे मेरे को क्या मतलब है जाने से। बराबर है। हस्बैंड भी समझता रहता है कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है इसकी कि कोई पॉइंट नहीं जाने से, लेकिन वो बोलता है यार मेरे माँ बोल रही है या मेरे फादर बोल रहे हैं, सही बात यार है। तेरे को करना पड़ेगा। ठीक बात अब है। क्या होता है जब बहू नहीं आती है घर में तो उसके ऊपर वो कंपल्शन हो जाता, शायद वो कहना चाहती यही है, कह नहीं पाई होंगी, लेकिन फैक्ट ये है कि बहुत सारे घरों में इस प्रॉब्लम के वजह से वो जो बेचारा हस्बैंड रहता है उसका सही में बेचारा हो जाता, सैंडविच हो जाता। ठीक है, इलाज नहीं उसके लिए भी कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो इवेंचुअली दो चार साल में वो इवॉल्व हो जाता है और फिर पता चलता है कि इसका इंटरेस्ट क्या, उसका इंटरेस्ट क्या, और फिर धीरे धीरे वो पैचअप भी हो सकता है, या इसका इंटरेस्ट बढ़ता बहू का भी, या तो फिर सास को या तो ससुर को पता चलता है कि इसका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है इसके पीछे मतलब को। लेकिन उसमें होता क्या है कि अंडरस्टैंडिंग में एक अड़ी आ जाती है, इसीलिए उसका ही सलूशन लिख रहा हूँ। और फिर होता क्या है कि जब भी उसके माँ बाप आते हैं तो मेरी बहू तो मेरे रिलेटिव्स के पास नहीं गई, तो उसके जो माँ बाप आते हैं तो उसमें क्या होता है कि फिर इनकी बातचीत थोड़ी सी कम ज़्यादा हो जाती है, ऊंच नीच हो जाती है, तो और फिर दोनों जगह हर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन जो आपने लिखा है बात बराबर है, लेकिन कम्युनिकेशन किससे? वही बता रहा हूँ, उसी के लिए लिख रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, फैमिली मीटिंग्स यदि अपन ग्रुप में ऐसा कोशिश करनी चाहिए, है ना, भले ही फैमिली नहीं आई है बहुत सारे लोगों की, लेकिन वीकली बंस, है ना, परिवार सभा वीकली बंस एक फैमिली मीटिंग करके शुरू करना चाहिए, जिसमें सभी सदस्य बैठें और उसका एजेंडा ये तय है पहले से ही, एजेंडा ये है कि सबको कम से कम
एक के बारे में दो दो अच्छी बातें बतानी है। क्या एजेंडा है? नहीं तो पहले से कंप्लेन वाला शुरू हो जाएगा तो मीटिंग ही बंद हो जाएगी, शुरू ही नहीं होगी मीटिंग। नहीं लंबी माने तो एजेंडा है सभी को दो बातें अच्छी बतानी है हर एक के बारे में उस वीक में, और ऐसा नहीं कि तुम बहुत अच्छे हो, अच्छे नहीं, उसको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा। नहीं ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, नहीं, नहीं, पर वो प्रैक्टिकल व्यवहार में नहीं होता वो। बता आगे का, उसके बाद दो अच्छी बात बताने के बाद एक कोई सजेशन देना है। नहीं इसको इसलिए करना जरूरी है या वीक में क्या निकला, क्योंकि नहीं तो कम्युनिकेशन गैप बना रहता है। तो परिवार में जो देखो हम जो बात कर रहे हैं परिवार एक होने की बात है, अपन आगे जब पढ़ेंगे ना परिवार सभा जहाँ पर डेमोक्रेसी समझने की जो मुद्दे हैं, और सभा का एक रूल है जब वो पर मीटिंग हो रही है उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। नहीं ये ऑलरेडी ऑलरेडी लिखा हुआ, मतलब ऐसा प्लान्ड में है वो, जब अपन आगे बढ़ेंगे परिवार सभा, क्योंकि यदि हम 10 लोगों में बात नहीं करते 500 लोगों में पार्लियामेंट में कैसे बात होगी, हो नहीं सकती ना। तो घर के लोग ही अच्छा क्या हो रहा है कि बहुत सारे हमें जो अच्छा नहीं लगा उस दिन, मुझे जा हॉस्पिटल मुझे मेरा बिल्कुल मन नहीं था, किससे कहें? अच्छा वो बाया बाया जो है ना अतुल भाई कह रहे हैं ना, वो केवल पति को बताती है, उससे वहाँ तक पहुँचता है तो कुछ का कुछ पहुँच जाता है। खुल के, और अब हम इतने मैच्योर हो रहे हैं इसलिए बात कर रहे हैं कि अपन अपन खुल के बात कर सकें, मुझे क्या चीज़ अच्छी लगी क्या अच्छी नहीं लगती है, और उसको मिट करना चाहिए। इसमें भैया एक कितना भी हमने ये कर लिया हाँ, और पर कुछ मान्यताएं इतनी गहरी रहती है दो पीढ़ियों के दरम्यान हाँ, तो वो जो जनरेशन गैप जिसमें यूज करते हम, वो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो बीच में आएगा ही, कोई ना कोई इस पे। ठीक है सब एक दूसरे से प्यार करते सब करते, पर वो मेरा कंडीशनिंग अलग सिचुएशंस में हुआ है, मेरी मदर का अलग इसमें हुआ और मेरे बच्चे का और भी अलग इसमें हुआ है। ठीक है ना, वो जनरेशन गैप का जो अंडरस्टैंडिंग है या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो तो कहीं ना कहीं वो हम वो कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन फैमिली में आएगी आएगी। मैं दूसरी चीज़ कह रहा हूँ, कम से कम सरफे अभी देखो जो अंडरलाइंड है, जो अंडरलाइंड है उसको पहले सरफेस पे तो है कहाँ, अभी क्या हो रहा है? हाँ भैया बात तो शुरू हो अभी, जैसे देखो मेरे मम्मी पापा अभी थे 3-4 महीने है ना, उनका क्या है कि बहू को ही खाना बनाना है ना, अब उनको वो हॉस्पिटल भी जाना है, तो उन तो हमने कहा भाई मेड आती है तो आपका खाना वो बना दी बनाती, मतलब उनका तो बना देती हैं, फिर हाँ उनको मेड ही नहीं होनी चाहिए घर में। अब ये सब तो फिर उस पर चर्चा होती है ना कि देखो भाई यहाँ तक ठीक है इसके आगे नहीं चलेगा, तो उनको भी समझ में आता है। तो मैं कह रहा हूँ लेकिन ओपनली जब अपन चर्चा करते हैं तो कुछ मतलब अब क्यों बताएंगे ना उनको, क्यों नहीं हो सकता ये, तो वो समझ सिचुएशंस ठीक है नहीं भी समझ में आएंगी है ना। जैसे मम्मी घर पे काम नहीं करेंगी है ना, सिस्टर के यहाँ जाएंगी तो करती हैं, तो मैंने बोला कि आप वहाँ तो करते हो यहाँ क्यों नहीं करते हो, पापा से बोला तो पापा बोलते हैं देखो बहू बहू होती है और बेटी है ना, एक दो बार ऐसा तर्क आता, लेकिन अब जब लगातार मीटिंग्स में कंटिन्यू डिस्कशन होता है तो वो टूट चुका होता, क्योंकि वो क्वेश्चन उनके मन में भी खड़ा हो जाता है कि यार बात तो कहीं सही हो रही है। तो लेकिन हम ये जो चर्चा ही नहीं करते ना जब तक, तो वो अंडरलाइन बना रहता है। तो ये बात ठीक है कि उनकी अपने कुछ गहरी मान्यताएं हैं है ना, तोड़ नहीं रहे, लेकिन बार बार जब चर्चा होती है और उसको अपन स्वीकार लेते हैं, और अपने हस्बैंड वाइफ में जो एक ही जनरेशन के हैं उनमें यदि इसमें तालमेल हो जाता है तो फिर स्वीकृति हो जाती है, चलो इतना कर लेते हैं है ना। तो ये काफ़ी मुझे लगता है इसको करके देखना चाहिए अपने घरों में कि जो भी इशूज हैं उस पर हम लोग यदि फैमिली मीटिंग करें और उसको मिनट करें, मतलब अपने पर्पज से कि चलो क्या बात हुई, कोई एक लिख ले 4 पॉइंट और ये अपन 2-2.5 महीने में देखते हैं क्या इशूज डिस्कस हो रहा है, क्या निकल के आ रहा है, कौन से कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं जो डिसएग्रीमेंट के हैं। मुझे लगता है इससे अपन इवॉल्व, क्योंकि फाइनली होना तो ज़रूरी है, क्यों नहीं तो साइड टॉक्स होती हैं है ना, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर बन जाते हैं है ना, जैसे सब जगह होता, तो इसमें ओपन में होगा तो ये कि मुझे लगता है इसका अच्छा इफेक्टिव होना चाहिए। ये करके देखेंगे, कुछ कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे करेंगे इसको 2-2.5 महीने वीकली,
तो एक बार करके देखेंगे तो कुछ रिजल्ट आएंगे, फिर पता भी चलेगा अपने को कैसे बातचीत हो पाती है नहीं हो पाती है, क्या पॉइंट डिस्कशन किए जाएं। तो बेसिकली क्या रहे हैं इसमें कि ये जो इच्छाएं चित्रण अलग अलग है, बेसिकली क्या हो रहा है जो आप कह रहे हैं ना गैप जो है, हमारे अलग अलग चित्रण हैं। और एक जनरेशन के चित्रण जैसे वो फोतेदार साहब कह रहे थे कि मैं तो स्ट्रीट लाइट के पीछे पड़ा है ना, लेकिन जब उनको क्वेश्चन करते हैं तो तर्क संगत होने से ढीला पड़ जाता है उनका, जो अगली बार उतने फोर्स से नहीं बोलते हैं, ये फर्क पड़ता है क्योंकि मानव भी इवॉल्व करता रहता है। कई बार हम वो बोलते ही नहीं है डर के मारे तो पता नहीं चलता। तो इसका एक ही तरीका इन चित्रणों को बदलने का, तर्क। और उनसे पूछो अच्छा आपको आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों करना चाहिए, सिंसियरली पूछने से उनके पास उत्तर नहीं रहता तो उनका अंदर तो टूट जाता है वो कि हाँ हमारे पास उत्तर तो नहीं है बहुत स्पष्ट। तो लगाने में बदलेगा। हाँ दो लोगों में से अगर दो व्यक्तियों में से एक भी व्यक्ति अगर समझदार है और दूसरा ना समझ भी है तो झगड़े की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हर ना समझ समझना चाहता ही है, ये सूत्र है ऐसा ही है। तो जब दोनों में समझ नहीं होती है उसी को जनरेशन गैप बोलते हैं, बिल्कुल एक वीडियो में आया था, बिल्कुल सही है। और दूसरा ये भी होता है कि जो समझदार है फाइनली वो अपनी सुविधा को, दो का मतलब दो पीढ़ी, अपनी सुविधा को सुविधा छोड़ने के लिए तैयार रहता है समझदार व्यक्ति। अभी हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं बट समझदार व्यक्ति क्योंकि उसको पता है कि भाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए वो अपनी सुविधा को कई बार छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे भी बात बन जाती। बट ये करके ही देखने पड़ेंगे, मतलब ये सब ठीक बात है, ये सब डे टू डे में करके देखने की बात है। तो इससे कुछ निकलेगा रीति रिवाज का डिजाइन, डिस्कशन करने पड़ेंगे मुझे लगता करेंगे। और यदि हमें लगता है कि उसके पीछे के बहुत स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहे हैं तो कुछ चीजें निकल आएंगी इसमें से। बहुत ऐसा देखो लोग बोलते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि है ना, जो जो पावर टसल है क्योंकि माँ की पावर चलती थी पहले, अब बेटा सडनली है ना मैरिज होने के बाद वो है ना, अभी रिसेंटली कोई मुझसे था राजकोट कि एक उसकी मैरिज हो गई अभी रिसेंटली, एक डेढ़ साल हुआ होगा, और उसके दोस्तों की मैरिज हुई नहीं है, पांच छह और दोस्त हैं, अब ये घर पे जा नहीं सकता टाइम से क्योंकि दोस्तों को लगता है यार क्या हो गया तू, मतलब बीवी का गुलाम हो गया एकदम, तुम तो हम लोगों के साथ पार्टी मनाता था रोज 10 बजे तक। यहाँ तक है कि जब पत्नी घर पर फ़ोन करती है घर से तो ये फ़ोन नहीं उठाता है। मैंने कहा क्यों नहीं उठाते यार, तो बोले जब मैं फ़ोन उठाता हूँ तो फिर वो पूछती कहाँ हो किसके साथ हो, अब वो फ़ोन पे इतना सब एक्सप्लेनेशन देना, बोले बोलता पेशी हो गई मेरी, तो इस डर के मारे फ़ोन नहीं उठाता है ना। अच्छा आप नहीं, ऋषिकेश भाई नहीं थे उस मीटिंग में, तो माने मैंने उनको फिर बोल दिया, मैंने कहा यार तुम ऐसा करो SMS किया करो है ना कि तुम कम से कम इतना तो बता दो लेट आ रहा हूँ मैं 2 घंटे है ना, तो टर्न अराउंड। अभी तो खैर बोल रहा था एक दो और उनके दोस्तों की मैरिज हो गई है तो थोड़ा मामला ठीक हो रहा है क्योंकि अब वो भी टाइम से जाना चाहते हैं। बट बहुत सारी जगह हम लोग एक मतलब वो खुद ही फंस जा रहा है कहाँ क्या करें इसमें से। फिर मैंने उसको कुछ और भी बताया, मैंने कहा वो बोल उसकी वाइफ ने बोला कि देखो मैं मैसेज भी इनको भेजती हूँ तो कई बार ये मैसेज ही नहीं पढ़ते हैं है ना। नहीं 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 मैंने कहा कुछ इंटरेस्टिंग, अभी क्या मैसेज क्या होता है कितनी देर से आ रहे हो और कितने समय में आओगे, तो उसको लगता है वो पहले ही पता रहता मैसेज पढ़ने से पहले क्या मैसेज होगा है ना। तो मैंने कहा थोड़ा इंटरेस्टिंग करो मैसेज को है ना। अभी हम लिखते अभी आई लव यू लिखना भूल ही गए, पहले उसके पहले बहुत चलता था जब इंगेजमेंट हो रही थी, तो कुछ इंटरेस्टिंग बनाओ मैसेज को, उसको मानो कि यार मैसेज तो पढ़े हैं है ना कि बट आई वुड लाइक टू नो कि तुम आ कब रहे हो। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं कि बहुत नीरस कर दी हमने जिंदगी है ना, उत्साह खत्म हो गया।
हम चाहें तो उन्हीं संबंधों में उत्सव के साथ जी सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ, और एक दूसरे को समझ सकते हैं यार कि इसकी भी कुछ समस्याएं, सोम भाई नहीं कहते हैं, उसकी भी कुछ मजबूरियाँ होंगी, है ना, लोग ऐसे ही बेवफा नहीं होते तो तो कुछ तो कारण होंगे तो हम दूसरे के एंगल से तो देख ही नहीं रहे, उसके पहले हम उसके एंगल से बहुत देखते हैं, बाद में हम उसके एंगल को नहीं समझने की कोशिश कर रहे, तो इतना इतना डिफिकल्टी भी नहीं है मुझे लगता है। सर नहीं करते हैं बिल्कुल, तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि आप तो कमी कमी देखते हो, मन का ऐसा है कि अच्छा तो होना ही है ना, तो जो अच्छा है वो तो अच्छी बात है, पर जो कमी है तो तेरी कमी से मुझे भी फर्क पड़ता है, इसलिए कमी बताता हूँ भी कमी दूर हो जाए, तो मैंने देखा प्रशंसा का भूख तो सबको होता है, इसलिए कभी कभी थोड़ी थोड़ी प्रशंसा करती रहना चाहिए, उससे माहौल थोड़ा नहीं करते, जबकि पार्टी की मीटिंग में करते हैं, क्योंकि काम लेना है इससे वर्कर से, जिससे उसने छोटे दो काम किए होते तो पहले हमारा मतलब प्रोटोकॉल रहता है कि बताना है कि तुमने बहुत बढ़िया किया, ये मीटिंग अच्छी की, तो वहाँ हम ये सब लगा रहे हैं, अपने घर में भूल जा रहे हैं, नहीं अच्छा है करके, मैंने कुछ करके देखा, अच्छे रिजल्ट हैं इसके नहीं मैंने किया इसको तभी मैं बता रहा हूँ, बहुत कंटिन्यू तो नहीं हुआ बट अच्छे रिजल्ट हैं, करके देखना चाहिए। आपने भैया हाँ इस मतलब इससे ही रिलेटेड आप जो बोल रहे हैं ये मैंने करके देखा दूसरे सेंस में, जैसा एम्प्लॉयज़ है या मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स है तो नेचुरली अपना ये सब थोड़ा अपनी सुख की स्थिति छोड़ना नहीं, इसलिए अपना थोड़ा भाषा बिहेवियर थोड़ा मेरा बदल गया, एक मैं शांत भाषा से प्यार से उनसे बातचीत शुरू हो गई मेरी एम्प्लॉयज से, जो एक मेरा स्टाफ है उसको तो रोज़ गाली खाता था पर वो तो बंद ही हो गया मैंने कुछ बोलना उसको, एकदम मैं प्यार से ही अरे कैसे चल रहा है सब बढ़िया है ये वो, उसको भी इसको क्या हो गया करके वो देखता मेरे को तो वो सब शुरू हो गया, पर वो कॉन्ट्रैक्टर्स के लेवल पर क्या हुआ कि वो हर एक कॉन्ट्रैक्टर दो चार उसकी साइट रहती, अब मैं प्यार से बात कर रहा हूँ उन्होंने मेरे को लटकाना शुरू कर दी, मेरा काम वो डिले कर रहे आखिरी में कर रहे, उसमें से ही एक का मेरे को फ़ोन आया, मैंने बोला यार, तो बोले सर बोले कहाँ तुम, वो आओ बोले और अपने पुराने इसमें एक बार इनको दो बोले इंजेक्शन, तो उसके बगैर कुछ होता है क्योंकि डेडलाइन थी, मेरा काम रुक रहा, तो फिर मैंने जाके थर्ड डिग्री अपना जो पहले वाला वो दिया, सब बराबर हो गया, क्योंकि उनको आदत ही उसकी है, वो अगर वो उसको प्यार से उससे किसी ने बात ही नहीं किया ना प्यार से आज तक, तो उसको आदत ही नहीं है, तो उसको जो भाषा समझती वो भाषा में जो उससे बात करता उसका वो काम करता, मैं भी वैसे ही था, तो मेरा अभी चेंज हो गया बिहेवियर, तो उसका वो फ़ायदा लेने लग गए अलग तरीके से, उसका क्या इलाज करे, तो उसका एक मैंने जो सोचा मेरे को ऐसे लगा कि ठीक है मैं उसको डांट रहा हूँ गाली दे रहा हूँ पर वो मेरे मन में मेरा भाव बदलना नहीं चाहिए, एक एक्टिंग के तौर पे आप उसको गाली दे रहे हो उतना तक ठीक है, पर वैसा होता नहीं, आप अगर चिल्लाते हो आप अगर वे जा रहे हो तो आपका भी वो तो होता ही है अंदर। सही बात, इसमें इसलिए इसको यदि इसमें अपन और अच्छे से देखेंगे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर वाले में, है ना, तो क्योंकि इसमें जैसे जो हमारा अब इसको अपन को करके देखना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें, ये जो भाव का बिगड़ना है और ये जो समय से काम मतलब जो डिले होना है इसके बीच में अपने को इक्वेशन को पकड़ना पड़ेगा, दोनों को मैं किसको छोड़ना चाहता हूँ किसको पकड़ना चाहता हूँ, प्लस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको ना लोगों की रीडिंग आ जाती है कि ये कितना डिले कर सकता है, तो उसके मार्जिन प्लानिंग में लेने शुरू करें पड़ेंगे। अभी सामने खड़ा है आदमी, हाँ मैं उधर हूँ साइड पे, उसको मैं पूछ रहा है एक मेरे एक बार चार्ट बनाना है, मेरे इंजीनियर को बोल बार चार्ट बना अपने को ये 20 दिन में ख़त्म करना है विषय, तो पूरे कॉन्ट्रैक्टर्स का मीटिंग उधर, इसको पूछा कितने दिन में होता है ये तेरा टाइलिंग, प्यार से पूछ रहा ये कितने दिन में कर देंगे, वो तो बोले सर 15 दिन में हो जाएगा, वही चीज़ अबे साले 15 दिन लगते क्या इसको, नहीं सर 7 दिन में हो जाएगा, तो वहीं के वहीं उसने चेंज कर दिया ना विषय एक ही सेकंड में, तो मेरा तो काम उधर हो गया, ये 15 दिन का उसने इसको लिख 7 दिन लिख इसकी पेनल्टी 7 दिन बाद शुरू करना, नहीं तो मैं प्यार से तो उसने 15 दिन पे डाल दिया था ना मेरे को, तो उसको डेली इसमें उसको एड्रेस कैसे करें, अब इसमें ना मेरा भाव खराब हुआ उसके लिए नहीं ना मेरा कोई सुख की स्थिति में छोड़ रहा हूँ, पर जो मेरा एक्सप्रेशन है
वो तो मेरे को चेंज करना ही पड़ा भय उसको दिखा के। आप तो लेकिन कह रहे भाव भी बदल जा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ ये सिचुएशन में? नहीं हुआ, नहीं हुआ। पर नॉर्मली तो भाव बदलता है आप अगर भाई भाई जहाँ बदल रहे वहाँ देखना, क्योंकि भाषा के मूल में भाव है ना। हाँ। मेरी भाषा बदल गई तो भाव पे इफेक्ट तो आएगा ही। बढ़िया, इसको और देख सकते हैं, मतलब जैसे आप पूछ भी सकते हो भाई 15 दिन क्यों लगेंगे, नॉर्मली तो आपके पास असेसमेंट है ही, 7 दिन में होता है ये काम। तो उसमें भी अभी देखो हमारी एक ट्यूनिंग भी, हमें लगता तेज बोलने से हो गया, क्योंकि मैं अपना एक बताता हूँ अच्छा केस। देखो हम लोग एक कंप्रेसर का वो था डील, MSO कंप्रेसर हमें खरीदना था और उसका मैन्युफैक्चरिंग होनी थी US में। तो मेरे जो बॉस थे नितिन भाई और मेरा जो इमीडिएट बॉस थे फ्रीजो डच था, तो टाइम टेबल बनता ही है पर्ट चार्ट सब के ना, कितने दिन में होगा काम क्या होगा। तो हम लोगों ने शेड्यूल बनाया 15 महीने में होगा, और CEO बोले कि नहीं इसको 12 महीने में क्यों नहीं हो सकता, है ना। MNC में थोड़ा उतनी रफ लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, बहुत पोलाइटली बोलते हैं, बट उसका आशय तो अलग ही रहता है। तो मेरा जो फ्रेंच बंदा था, वो डच बंदा था फ्रीजो बोला आई कैन मेक एनी चार्ट इफ़ यू वांट, आई कैन मेक इट इन 9 मंथ्स, लेकिन डिलीवरी विल हैपन आफ्टर 15 मंथ्स ओनली। तो पेपर पे मैं कुछ भी दिखा सकता हूँ, तो व्हाट डू यू वांट, आपको 9 मंथ्स वाला चार्ट चाहिए कि जो एक्चुअल है वो चाहिए? तो बॉस तुरंत बोला यार जो एक्चुअल है वो बना। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें उसमें अपना, आप सिंपल भी क्वेरी करोगे 15 दिन क्यों, क्योंकि आप तो ये काम करते रहते हो ना, तो आप बोले भाई करता है दूसरा, और यदि तुम 7 दिन में नहीं कर सकते तो मैं दूसरे को दे देता हूँ फिर। तो मुझे नहीं लगता कि अभी हमने ऐसा मान लिया है, इसको मैं कह नहीं रहा हूँ कि अब इसको जांच के देखा जाए, हमारी कुछ मान्यताओं में आ गया ये। जैसे देखो रिलायंस का एक कल्चर है, मैं तो खैर नहीं काम किया, कि वहाँ पे ना मीटिंग्स में गाली गलौज, वाइस प्रेसिडेंट एकदम डांट देगा, ये कुछ कल्चर से इवॉल्व हो गए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उनका काम इफेक्टिवली होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो एकदम उल्टा देखा, क्योंकि मैंने 2 सेक्टर में काम किया, गेल में जो पब्लिक सेक्टर था और एक MNC में जो सेल में। गेल हालत थी कि भैया जब भी छुट्टी चाहिए, छुट्टी इज ऑलवेज ए प्रॉब्लम, लीव लेके जाओगे तभी बॉस को लगता मैं बॉस हूँ अब। तो यार 5 दिन की छुट्टी क्यों चाहिए, दिवाली 3 दिन में नहीं हो सकती, मैंने उसका सवाल यहीं से शुरू होगा। और छुट्टी सेंक्शन भी नहीं करेगा, मतलब करेगा भी तो 1 दिन पहले तक, मतलब आपको हमेशा यू आर अनसियोर के जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। MNC में उल्टा था, उसमें क्या 25 दिन की छुट्टी तुम्हें लेनी है यार, तुमने छुट्टी नहीं ली इस बार, है ना, 15 दिन की इन ब्लॉक लेनी है, सो देट उनको लगता वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा। तो हमने कुछ उल्टा पुल्टा माना हुआ है ना। सिक लीव की मतलब आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज, अनलिमिटेड सिक लीव है, मतलब आपको सिर्फ बोल देना सिर दर्द है तो आना ही नहीं है। हमें लगता है लोग एक्सप्लॉइट कर लेंगे, 5% लोग एक्सप्लॉइट करते हैं सिचुएशन को। और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जहाँ पे लोगों ने किया कि किताबें बुक्स रख दी हैं नोटबुक, और आपको उसमें पैसा लिखा है कितने, 5 रुपए की है, 15 रुपए की है, और कोई है नहीं आपको, ये स्कूल में किए गए एक्सपेरिमेंट, आपको उठानी है और उतने पैसे डाल देने, मैगजम से मैगजम 5 या 10% कम पड़ता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारी शायद कंडीशनिंग को भी अपने को देखना, आदमी पर भरोसा करना शुरू करना पड़ेगा एक बार, और थोड़ा लंबा समय लगता है उसमें, है ना, थोड़ा लंबा समय लगता है। हम करके देखेंगे 2-5% ऐसा निकल सकता है, बट शायद उतने खराब रिजल्ट नहीं आएंगे। नहीं सर, मैंने तो प्रयोग किया घर में भी और व्यापार में भी जीन विद्या के बाद से। हाँ, अगर दोस्ताना संबंध बनाए बेटे के साथ भी, घर वालों के साथ भी, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय गैप भी ना रखें, और उसको एहसास भी कराएं कि मैं नया प्रयोग कर रहा हूँ, बिल्कुल, कि इंसानियत के आधार पर क्या काम साथ किया जा सकता है क्या, या जैसा 3rd degree चलता है दुनिया में उसके बिना कोई रास्ता नहीं। तो मुझे तो लगा कि थोड़ा सा धैर्य रखा जाए और दिमाग को बार बार उपयोग करके परिस्थिति के हिसाब से रणनीति बनाई जाए तो असफलता की तो संभावना ही नहीं है। मुझे भी लगता है, उसको भी आकलन भी ये है कि देखो 5-10% हम इतना टाइट रहते हैं उसमें भी गड़बड़ियाँ करते हैं लोग, 3 दिन बोल के फिर भी 7 दिन में निपटता है काम। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए और 2-4 pitfall को भी मान के चला जाए कि यार 100 में 10 ऐसे होंगे ही, हो भी जाएगी कभी कभी, प्लस एक और देखा जाए कि ये हम केवल एज ए मैनेजमेंट टूल नहीं कर रहे हैं, यदि उनको सही में कुछ ज़रूरत पड़ती तो हम खड़े हैं उनके साथ। देखो जब उसको ये लगता है कि आप सिंसियरली उसके साथ न्याय करना चाहते हो तो चीज़ें बदलती हैं, बट इसमें समय लगेगा,
ये नहीं कि अपन ने 10 दिन में पॉलिसी बदली कुछ हो जाएगा, बट रिजल्ट तो आते हैं। पर उसमें ध्यान रखना कि गलती ऐसी नहीं हो जाएगी, थर्ड डिग्री तो लगा दिया घर में। हाँ और उधर नहीं नहीं और दो अच्छाई और एक सुझाव वाला लगा दिया ठेकेदार के यहाँ दोनों नहीं तो बोले ये तो ठीक है तो पहले घर पे लगाना भाई, सही बात है। हाँ जी सर, मैं इसमें एक बात असीम जी की बात में थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ। मैं देखी पर कहाँ सर ये यार हाँ हाँ सर मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें एक्चुअली क्योंकि जो है मैं अपने लिए अपने सुख के लिए सोच रहा हूँ, तो मैं जब सामने वाले से अगर काम के बारे में जैसे इन्होंने उदाहरण दिया तो सर मुझे सामने वाले की क्षमता योग्यता को पहले समझना पड़ेगा। आज अगर मैं सपोज एक लोअर लेवल के कॉन्ट्रैक्टर के साथ डील कर रहा हूँ, एक इंजीनियर के साथ डील कर रहा हूँ, एक अच्छे मेरे मैनेजर लेवल के आदमी के साथ बात कर रहा हूँ, तो मुझे उसके अंदर जो है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे देखना है कि वो प्रोजेक्ट टाइमली, तो मुझे मेरे मातहत मेरे स्टाफ की योग्यता क्षमता का सही मूल्यांकन मुझे करना है, और उससे वो गलती करेगा मुझे ये मान के ही चलना है कि वो गलती करेगा, इसलिए उसका जो है उसे ड्यू कोर्स में करेक्शंस करना भी, तो ही मैं सही समय पे डिलीवरी दे पाऊंगा, वरना मैं डिलीवरी नहीं दे पाऊंगा। ठीक बात। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे काम बिगड़ जाने के बाद और लेट हो जाने के बाद गुस्सा होना वो फ्रस्ट्रेशन है मेरे हिसाब से, वो कहीं ना कहीं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या जवाब दूंगा या मुझे जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें प्रोएक्टिव प्लानिंग और वो सब तो चाहिए ही चाहिए है। नहीं बट मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से ये चर्चा शुरू की। देखो अपने चार आयाम है ना, तो अनुभव तो अभी हुआ नहीं है, है ना, तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, तर्कपूर्वक जो विचार बनाया, विचार के आश्रय में जो कार्य और माने जो व्यवसाय पक्ष है और व्यवहार पक्ष है, जब तक इनमें एक सूत्रता नहीं होगी इन तीन में, तब तक ये चौथे की तरफ जाएगा नहीं, है ना। तो और आदमी जो है अपने को डिवाइड कर नहीं पाता, हमें लगता जरूर है कि हम वर्कफोर्स पे चिल्ला चिल्ली से काम करेंगे, घर में ऐसे करेंगे, ऐसा है नहीं, है ना, ऐसा हो नहीं पाता है। तो इसलिए एक अब मन बनाने की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे हम एक मन बना रहे कि यार हम अपनों के साथ क्यों नहीं जी सकते, ऐसे यदि हम इसको भी स्वीकारते हैं कि यार हम जिनके साथ काम कर सकते हैं करते हैं, इनके साथ भी न्यायपूर्वक ढंग से अच्छे से जिया जा सकता है, ये पहले विचार में ही पकड़ना है। विचार में पकड़ेंगे, छोटे छोटे कुछ अभ्यास करेंगे, जिसको कह रहे हैं यहाँ पर व्यवहार, और उसमें लिखा था ना कर्माभ्यास, कर्माभ्यास का एक पार्ट रिलेशनशिप भी है, साथी सहयोगी संबंध है। आगे यदि अपन संबंध देखेंगे तो कार्य में एक साथी सहयोगी संबंध है, तो जो ओनर है वो साथी के रूप में है और जो एम्प्लॉई है वो सहयोगी के रूप में है, है ना, और ये उसकी जागृति में भी सहायक होता है, लेकिन कर्तव्य प्रधान विधि से माने का पक्ष जुड़ा हुआ है। तो अपनी मानसिकता में पहले इसको लाना है, क्योंकि यदि हम नहीं तो क्या कर रहे हैं, एक 50% ऑफ द वर्क, बल्कि 50 क्या, घर में आदमी कम रह रहा है ऑफिस में ज्यादा रहता है, और हमने एक बड़े पक्ष में मान रखा कि यहां पे तो हमारा सिरदर्द होना है, तो मुझे सुख की अनुभूति होगी कैसे। और उसकी लूप जब तक नहीं बनेगा, माने जीवन नाम की कोई चीज है, हर आदमी समझना चाहता है, हर आदमी विश्वास का निर्वाह करना चाहता है, आदमी मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, इन सब का वेरिफिकेशन कैसे आएगा, आएगा ही नहीं। ये जो आशीष ने जो बताया वो वैसे उनका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सही है, लेकिन क्या है कि ट्रेन एक पटरी पे से दूसरी पटरी पे जाती है ना, तो पूरा डब्बा दूसरी पटरी पे नहीं जाता है, तभी बीच में आवाज आता है, बराबर। तो उसमें क्या है कि अपन ने ये विद्या और कुछ भी नया पाया तो उसके हिसाब से अपन अभी तुरंत ये ट्रेन को उठा के ये पटरी पे रखना चाहते हैं, बराबर, बिल्कुल। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है, बिल्कुल। अभी क्या है कि देखो डायमंड बिजनेस में, फैक्ट्री में भी, मतलब क्या है कि हमेशा कल्चर नॉर्मली ऐसा होता है कि ये जो मैनेजर होता है वर्कर के साथ
गाली गलौच ये थे तो, और इसमें तो क्या है रियल में जब भी डायमंड तोड़ के आता है ना तभी तो उसके सिर पे और सेठ पे, सेठ को भी लगता है कि इधर मेरा 2000 का 5000 का नुकसान कर दिया, तो फिर क्या है कि अंदर से ऑटोमेटिक गाली निकलती है। ये सिचुएशन हर जगह पे होती है। बिल्कुल। लेकिन हमारे उधर कल्चर, हमने पहले से ही ये कल्चर अलग बनाया है, हमारे उधर गाली बोलने का बिल्कुल रिवाज ही नहीं है फैक्ट्री में। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, मतलब क्या है कि गाली कोई तो उसका बर्ताव, ये चीज़ है ना, जब भी हमने ये प्रायोरिटी किया है तो ये प्रायोरिटी करके सालों के बाद ये कल्चर अभी बना है कि उधर ऊंचे आवाज से किसी को बात करना है ना तो वो बात करने के लिए उसको सोचना पड़ेगा, वो कल्चर बनने में काफ़ी टाइम लगा है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात मैं बताऊँ कि हमारे उधर करीबन 450 बहन बेटियाँ मेरे फैक्ट्री में काम कर रही है, तो नॉर्मली डायमंड फैक्ट्री में मतलब क्या है कि कल्चर ऐसा रहता है कि ज़्यादा तक कम पढ़े लोग उसमें वर्कर के हिसाब से, उसका क्या क्वालिफिकेशन तो चाहिए नहीं, उसमें डायमंड का स्किल उसमें आ गया तो उसको ग्रेजुएट है कि वो अनपढ़ है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो उसके हिसाब से क्या है कि किसी का मश्करी किसी का ये सब चीज़ मतलब थोड़ा, तो वो हिसाब से ज़्यादा तक तो लोग कोई चाहेगा ही कि नहीं कि मेरा बहन बेटी फैक्ट्री में डायमंड की फैक्ट्री में जाएगा। लेकिन जैसे जैसे अपन एक कल्चर बनाते हैं और ये डिसिप्लिन अपन रखते हैं तो आज की डेट में हमारे उधर मतलब आज कोई भी माँ बाप उनकी बहन बेटी हमारी फैक्ट्री में भेजने के लिए उनको कुछ भी मतलब तकलीफ नहीं है। हम उतना तक ख्याल करते हैं कि 6 बजे का टाइम है और वो 5 बजे जल्दी जाती है तो उनके घर पे फोन पहुंचता है, क्या बात, आपने बेटी और आपका जो भी है उनको आपने जल्दी बुलाया था क्या। तो मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ के लिए कल्चर खड़ा करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और वो अपन मतलब रखेंगे कि अभी देखो आशीष भाई का बात है जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो ये उनका जो सोच है उसके हिसाब से उनके कॉन्ट्रैक्टर को वगैरह को सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या है कि वो सेट हो जाएंगे टाइम भी मेरा ऐसा अनुभव है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखो बहुत ही बढ़िया। देखो हम लोग यदि ये सोचना शुरू नहीं करेंगे, जिसको जो दशरथ भाई ने बात कही कि हम लोग मोस्ट प्रेफर्ड एम्प्लॉयर बन गए, देखो है ना, नहीं तो लोगों को एम्प्लॉय सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इतनी जल्दी जल्दी लोग एम्प्लॉय भागते रहते हैं। सिमिलरली देखो सेल में मल्टीनेशनल्स की कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो सेफ्टी कल्चर है ना, तो जो माने जो एक्सीडेंट बाकी कंपनीज में होते हैं और सेल में उसी नेचर ऑफ जॉब में करने पे जो 1,00,000 मैन आवर्स के एक्सपोजर में जो एक LTI होती है लॉस्ट टाइम इंजरी या फर्स्ट एड केस, वो दूसरी जगह कई गुना ज़्यादा होता है। तो इससे एक अपनी गुडविल भी बनती है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप, बट इसमें समय लगता है, कल्चर डेवलप करने की बात है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम अपन सोचना शुरू करें, क्योंकि हमने मान लिया यार व्यवसाय में कुछ नहीं होने वाला, और मुझे व्यवसाय के बिना तो अपन कह रहे हैं समृद्धि के बिना जागृति प्रमाणित नहीं होनी है, तो व्यवसाय करना एक आवश्यकता है। और हमने यदि ये मन में कहीं बैठाया हुआ है कि यार इसमें तो वही सब चलेगा तो हमारी जागृति होगी नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, और फिर हमें फ्रस्ट्रेशन आएगा क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी को कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते कि व्यवहार घर में ऐसा करेंगे उधर ऐसा चलेगा। और ये संभव है, हर जगह आदमी है, हमें साक्षात्कार भी नहीं होगा कि आदमी अच्छा होता है मूलतः और वो गलती करना नहीं चाहता, क्योंकि एक तरफ तो हमें लगेगा वन सेट ऑफ पीपल जो गलती करने के लिए पैदा हुए हैं, जबकि वही एम्प्लॉई है जो किसी का पिता है ना, किसी की माँ है, किसी का भाई है, और वो जीवन के रूप में अपन कह रहे समा, तो ये जीवन ईवन कभी पकड़ में नहीं आएगा, कभी पकड़ में नहीं आएगा। हाँ जी, इसमें एक दूसरा भी प्रॉब्लम है। हाँ, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर में, हाँ, जो बीच वाला व्यक्ति होता है, एक टॉप, एक बीच वाला और मैनेजर, जो एक लेबर क्लास, तो काम जो लेबर क्लास है उसके पास उसका काम करने का तरीका होता है, और मालिक को कुछ टाइम चाहिए, और बीच वाला है उसको कोई कनेक्टिविटी ऊपर से नीचे तक नहीं है। सारे हिंदुस्तान में कोई भी अच्छे बिल्डर को ले लो, उसको बोलो कि यहाँ 10 फुट प्लास्टर करना है, नहीं करेगा, दो फुट प्लास्टर नहीं होगा किसी से। डायमंड में जो क्वालिटी आई तो डायमंड के कोई भी मालिक कोई भी पहल कर सकता है, ये इसकी ट्यूनिंग टॉप टू बॉटम है।
एग्रीकल्चर में क्या है कि जो दवाई या व्यापारी या बीज सप्लायर है उसको कोई ट्यूनिंग नहीं है और ऐसे बोल देता है कि ये होना चाहिए, कैसे होना चाहिए कोई मतलब नहीं है, ये इसमें बीच वाले की आवड़त की प्रॉब्लम है। कंस्ट्रक्शन में जो मजदूर है उसमें आवड़त है, लेकिन बीच वाले व्यक्ति कुछ नहीं कहता, वो कहता है, वो बोलता है, वो जाता है, ऐसा 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 चलता है। ठीक बात, वो मैनेजमेंट तो नहीं है और कुछ कहना चाहिए तो ठीक है। खेती में हमारा प्रयोग है वनबंधु विकास योजना में, तापी रिजर्व में, जो सबसे आलसू कौम आदिवासी कहा जाता है और कोई काम ठीक से नहीं करता ऐसा है। हमने 3 साल दिल लगाकर प्रयास किया, रिजल्ट पाया। ठीक, तो हमने शायद लिफ्ट इरिगेशन में 8,000 कुटुंबों को पानी दिया, 6,000 में सफल हो गए। कहीं उसका इम्प्रेशन ऐसा है, सूरत में भी काम करने आते हैं तो वो का आलसू है, ने नहीं करता, ने ऐसा करता ने, लेकिन हमें रात को 11 बजे ज़रूर पड़ती कि इसमें आठ लोग लगेंगे, सुबह मोटर लेकर बाहर जाना है, तो सुबह तैयार हो जाती है और कोई एक भी पैसा नहीं मांगता। हो सकता है ये, बिल्कुल हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ जिनको हम बोल रहे हैं ना कि कम पढ़े लिखे हैं, लेबर क्लास, ऐसा है नहीं। एक्चुअली मैं तो उल्टा पाता हूँ कई बार, क्योंकि उसमें बहुत कम चालाकी है, उसमें चालाकी वाला अभी वो गुण उतना आया नहीं है, उसकी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, वो बोल नहीं पाता है अपनी बात कि मैं नहीं आ पाऊँगा, उसके एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको डर लगता है, इतना गैप है कि वो, उसको हमने बोला कि कल 6-8 बजे आ जाओगे, हाँ सर, मतलब आ जाऊँगा साहब, उसको पता है कि वो, तो हमें उतना फ्रीडम नहीं दे रहे कि जहाँ पर वो एक्सप्रेस भी कर पाए कि नहीं नहीं 8 बजे तो मेरे बच्चे को ये होता है, मैं 10 बजे ही आ पाऊँगा, फिर वो बहाने बनाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और अपने ही घरों में जब बच्चे जब झूठ बोल रहे हैं ना, कई बार पिताजी बोलते हैं ना, मैं किसी नितिन भाई से डिस्कस कर रहा था, बच्चे पिताजी के सामने झूठ क्यों बोल दे रहे हैं, एक सब्जेक्ट में उसके नंबर कम आए है ना, अब वो बताएगा नहीं कि मैं उसमें फेल हो गया, नंबर कम आए, क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि ऐसे बोलने में पिताजी बोलेंगे नहीं बेटा तुझे बोलना चाहिए मेरे से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही वो बताएगा उसको पता है इनका पारा चढ़ने वाला है अभी, है ना, फिर गुस्सा हो जाएंगे, फिर डांटेंगे, यार नहीं डांटेंगे तो हर्ट हो जाएंगे, फिर आधा घंटा अकेले ही कमरे में चले जाएंगे, वॉक करने निकल जाएंगे। तो हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम सच्चाइयों को सुन नहीं पा रहे, तो कई बार पड़ोसियों से पता लगता है कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा था, अपने को नहीं पता चल रहा है, हमारे साथ रह रहा है, क्योंकि हमारे जो क्योंकि वो जो टोन है जो हमने कहीं और अपना दी है, ये जाने अनजाने घर में आ जाता है वो व्यवहार। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको, मुझे लगता है, और इमीडिएट नहीं करें, समय लगेगा, प्लान करें, विचार में लाएं पहले, उसके तरीके बनाएं, उनसे भी कभी कभी याद आता है, 1 घंटा टूल बॉक्स टॉक या चर्चा करें कि देखो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यदि ऐसा करना शुरू करें कि हम तुम पर भरोसा करें, तुम क्या टाइम बता सकते हो, बीच में रिव्यू लें, उनकी योग क्षमता हमें पता ही रहती है आकलन। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बार विचार में इसको जगह दें कि ये संभव है, क्योंकि ये ही होना है फाइनली, सब जगह एक सूत्रता लानी ही पड़ेगी अपने को। हाँ जी अजय भाई, दशरथ भाई ने जो बोला, हाँ, विनोद भाई ने भी जो बोला, विनू भाई ने, तो भाषा की जो शक्ति है ना, वो ये है कि भाषा की शक्ति में हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना, पावर ऑफ लैंग्वेज एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ दैट। बात कर रहे हैं आप, हाँ, अपन NLP से आगे जा रहे हैं एक स्टेप, है ना, एक ये जो भाव की बात कर रहा हूँ मैं इधर, आप भाव में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक होती है, उसी की बात कर रहे हैं लगभग आप, NLP से जुड़ा हुआ है वो भाषा। लास्ट में जो चैप्टर पढ़ा ना, पढ़ा इसमें भाषा का आता है ना, और यूज पावर। तो मैं कह रहा हूँ कि आप भाव में यदि अपने को क्लीनिंग करते हैं, भाव में पवित्रता के साथ सही में आप उसको एक आदमी की तरह ट्रीट करना शुरू करें, हो सकते हैं कुछ आप, मतलब लॉस हो सकता है कहीं 5% 10%, बट रिजल्ट तो आएंगे, है ना, और उसको कैसे मॉनिटरिंग करना है उस सब सिस्टम को डेवलप। हाँ जी भाई, हाँ फैक्ट्री में मालिक नौकर का संबंध शायद शुरू से नहीं रखा, वो मतलब माहौल ऐसा रखा कि उनको ऐसा नहीं लगता कि हम खाली नौकरी कर रहे हैं, बिल्कुल लगता भी, तो ये इतनी चिंता करते हैं कि 6 की जगह 5 बजे जा रहे हैं तो पहले कौन जा रहा है,
अपना जैसा मान रहे हैं, तो वैसे क्या कि मैंने भी प्रयोग किया अभी जीवन विद्या के बाद से, पहले भी ज्यादा गुस्सा नहीं आता था, पर अब कोशिश कर रहे हैं बिना गुस्से के जीना है। तो घर में और ऑफिस में इमीडिएट रिएक्शन को रोकते हैं तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैं शुरू में स्पष्ट भी कर देता हूँ तो मैं एक नया प्रयोग कर रहा हूँ, बिना आवेश के काम करना करना संभव है क्या? तो देखो मैं आवेश नहीं करूँगा तो उनको भी लग जाता है, ये ईमानदारी से कह रहे हैं। तो फिर हर आदमी वास्तव में प्रेम ही चाहता है, तो फर्क तो पड़ता है, थोड़ा सा समय लग सकता है, धैर्य के बिना तो जीवन कुछ मिलता नहीं। ये जो मतलब बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि अल्टीमेटली जीविद्या में जो बताया है कि हर आदमी का आचरण से उसका प्रभाव है। फैक्ट्री में तो शुरू किया तब से ज़्यादा तक फैक्ट्री में दिनेश भाई का फैक्ट्री में हमेशा रहने का होता है। अभी क्या मालिक का बिहेवियर ही भी ऐसा ही होगा तो फिर क्या है कि कोई भी आदमी उसको मतलब उसको फॉलो करना ही है। बिल्कुल ठीक। अभी कभी भी मतलब आज समझो कि हमारे मुँह से कभी गाली नहीं निकली तो फिर कोई आदमी गाली बोलने का वो कैसे कर सक, मतलब तो क्या है कि ये बात है ना, सबसे पहले अपने आचरण की बात है ना, उससे बहुत प्रभावित होता है। और ये विद्या भी हर जगह पे जो आचरण की बात करते हैं ना, तो वो बात बहुत कनेक्ट होती है। बहुत बढ़िया। तो समय लगेगा, बहुत बढ़िया। दूसरी पटरी पे जा रही है तो आखिरी डब्बे को भी वहां तक पहुंचने में टाइम तो लगेगा ना, अभी इंजन गया है, डिब्बे बाकी है। बहुत बढ़िया, रास्ता बन गया। मैं ऐसा बताना चाह रहा था भैया, संबंधों में ना, हां संबंधों में टाइम देना बहुत जरूरी है। जैसे अपनी बता रहे थे बच्चों से, जब तक हम बात नहीं करते हैं उनकी क्लास में क्या चल रहा है, उनके स्कूल में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। तो मैं जोधपुर का उदाहरण देता हूँ, मैं मेरे बच्चे जो बहुत बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे थे, और हमने जो बढ़िया स्कूल है जैसे जोधपुर की, उसमें डाला। तो बच्चे 5-6 महीने बाद में भी आके बोले, पापा वो स्कूल तो अच्छा नहीं है। बेटा कैसे नहीं है? कि वहाँ पर जो लोगों की जो बातचीत की आपस में भाषा है वो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है, जो आपने हमें सिखाया है उससे बिल्कुल विपरीत है। तो वो आके घर आके बात कर रहे हैं, तो मुझे भी लग, और फिर मैं जाके देखे कुछ और शिकायतें भी देखे कि वाकई जो बच्चे बात कर रहे हैं ईमानदार से आके घर पे बता रहे हैं। फिर मुझे उस एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा सा पहले से भी पीड़ा थी, थोड़ा और भी थी। आज उस बच्चे का, आज अभी मेरी बात हुई उससे, अभी वो MCVK में है इंदौर में, तो अभी उसका एक स्टेटमेंट जस्ट अभी बात हुई, तो उसने कहा, पापा जब हम लक्ष्य के अर्थ में चले जाते हैं, जब हम लक्ष्य के लिए चलना शुरू करते हैं, यही हमारी सफलता है। हम पहुंचे नहीं पहुंचे वो बाद की बात है, लेकिन उसमें असफल नहीं होंगे। हम लक्ष्य के लिए रवाना हो गए, इसका मतलब हम सफल है। बहुत बढ़िया। पहुँच गए तो भी सफल है, नहीं पहुँचे तो उस यात्रा में। तो ये बच्चों से ट्यूनिंग का बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू।